देखिए हम लोग तो पहले से ही मांग किए थे, संदीप घोष सर जो था हम लोग का आरजीकॉल मेडिकल कॉलेज का एक्स प्रिंसिपल और टाला थाना का जो ओसी था, ये दोनों लोग मतलब ये लोग सारे जो एविडेंस टेम्परिंग का जो चीज हुआ था वो सारे में इन लोगों का हाथ है। हम लोग पहले से ही मांग किए थे इन लोगों का अरेस्ट होना चाहिए, आज सीबीआई अरेस्ट किए है इन लोगों का। हम लोग इसमें इस बारे में खुश है, हम लोग चाहते हैं सीबीआई जल्दी से जल्दी और जो लोग और जो सारे लोग एविडेंस टेम्परिंग में एविडेंस टेम्परिंग किए थे वो सारे को अरेस्ट करे और उन सारे को पनिशमेंट दे। हम लोग जब कालीघाट में गए थे हम लोगों को एक मेल आया था, हम लोग पहले मेल किए थे, उसके रिप्लाई में चीफ सेक्रेटरी से हम लोग को मेल आया था कालीघाट में बैठने के लिए, तो उसमें भी हम लोग राजी हुए थे क्योंकि हम लोगों ने हमेशा यही बोला है कि हम लोग कहीं भी किसी भी समय अगर चीफ मिनिस्टर बुलाएंगे तो हम लोग बात करने के लिए राजी हैं। तो इसी बात को मान्यता दे के हम लोग कालीघाट पहुंचे थे और उधर जाके हम लोग जो मेल किए थे उसमें भी मैं हम लोगों ने बोला था कि हम लोग अपने जो स्वच्छता है, जो द्विपाक्षिक स्वच्छता मतलब बायलैटरल जो ट्रांसपेरेंसी का बात हम लोगों ने बोला था वो क्लियरली मेंशन था। तो वही जगह से हम लोगों ने बोला कि इफ पॉसिबल, तो जैसे हम लोगों ने लास्ट दिन भी बोला था, लाइव स्ट्रीमिंग का वहाँ पे इंतजाम किया जाए क्योंकि हम लोग को नहीं लगता है कि टेक्निकल रीजन की वजह से ये कोई रुकावट आना चाहिए। तो फिर उन्होंने बताया कि वहाँ पे टेक्निकल रीजन है और लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो सकता क्योंकि वो उनका रेसिडेंस है। तो पहला बात तो ये है कि फिर उधर शायद बुलाना ही नहीं चाहिए था, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट 24 आवर्स रन करता है, शायद 99 भी हम लोग जा सकते थे, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उधर मान लिया। फिर हम लोगों ने बोला कि फिर हम लोग वीडियोग्राफर लेके गए थे, वीडियोग्राफर को अलाउ कीजिए और दोनों के साइड वीडियो रहे तो फिर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगा। फिर उन्होंने बताया कि ये ऑफिशियल सीनियर ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने बताया कि ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर हम लोगों ने उनको बताया कि फिर एक काम कीजिए कि हमारे जो वीडियोग्राफर हैं एटलीस्ट उनको आप पूरा प्रोसेस देखने के लिए दीजिए और आपका जो वीडियोग्राफी होता है उसका कॉपी हम लोगों को दे दीजिए, वरना हम लोग कैसे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेंगे। वो भी नहीं मान रहे थे और इसी स्टेज पे चीफ मिनिस्टर आए हमारे सामने, वो आके हम लोगों को से बात किए और हम लोगों को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप लोगों को ये नहीं दिया जा सकता, आप लोग आ जाइए, बात नहीं करना है तो चाय पीने के लिए आ जाइए। तो हम लोग चाय पीने तो गए थे नहीं थे, हम लोग अपने 5 पॉइंट डिमांड्स पे डिस्कशन करने के लिए गए थे और हम लोगों को वो ट्रांसपेरेंसी के लिए वो वीडियो लगता इसीलिए क्योंकि हम लोग बाहर आके यहाँ पे जो हम लोगों का जो डॉक्टर्स लोग जो आज 36 डेज से जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, आज 4 दिन से हम लोग इधर बारिश को सर पे लेके यहाँ पे चारों ओर लाइव वायर्स है, हम लोग जान का डिफिकल्टी लेके हम लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, इस जगह पे जाके हम लोग भी चाहते थे कि बात हो। तो जब वो चले गए उसके बाद उनके सीनियर ऑफिशियल जब बोले, हम लोग बोले ठीक है, फिर हम लोग कोई भी बिना शर्त के हम लोग आप सिर्फ हम लोगों को मिनट्स दे दीजिएगा, हम लोग बात करने के लिए रेडी हैं। लेकिन ये सब बोल के हम लोग जब फोन और अपने घड़ी ये सब जब वहां पे रख रहे थे और सिक्योरिटी चेकअप का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे थे, अचानक से पता नहीं क्या हो गया, वो लोग बोले कि वो लोग बात आज के लिए और नहीं करना चाहते। तो हम लोग बड़े हताश हुए, बड़े सरप्राइज हुए कि अचानक से क्या हो गया।
तीन घंटा का बात वो लोग कर रहे थे, हम लोग भी तो 35 दिन से वेट ही कर रहे हैं बात करने के लिए, तो बात नहीं कर पाए हम लोग काफी हताश थे, लेकिन हम लोग ये भी जानते थे कि हम लोगों का जब तक 5 पॉइंट डिमांड कंप्लीट नहीं होता है हम लोगों का आंदोलन चलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।